आज के वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से श्रम योगी मानधन योजना में आप किस तरीके से 64 रुपये यानी 64 रुपये डाल के आप सरकार के तरफ से आप 60 साल की उम्र हो जाने पे आप 3000 रुपये पेंशन आपको मिलेगा। अगर आपका सैलरी 15000 रुपये से कम है तब तो आप इसमें बहुत ही आसानी से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके आप सरकार के तरफ से 60 साल के उम्र हो जाने पे आपको 3000 रुपये ग्रांटेड पेंशन मिलेगा। तो आज मैं हूँ इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस रेड बटन को दबा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोस पाइए आप रोजाना। तो इस वीडियो में आपको ये सीखने को मिलेगा कि किस तरीके से श्रम योगी मानधन योजना में आप किस तरीके से 64 रुपये डाल करके अब 60 साल की उम्र हो जाने पे आपको जो सरकार की तरफ से 3000 रुपये ग्रांटेड पेंशन आपको मिलने वाला है। तो आपको कैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे क्या करना है, सभी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। अगर यही काम जो है आप दुकान वाले के पास जाइएगा तो वहाँ पे जो है आपको 150 रुपीज़ आपको चार्ज कर देगा, वो आपको देना पड़ेगा क्योंकि आपको जो है इस स्कीम में आपको अप्लाई करना है, आपको सरकार की तरफ से 3000 रुपये पेंशन लेना है। तो अभी के टाइम में हर इंसान के पास मल्टीमीडिया सेट होता है, 8-10 हज़ार का मोबाइल तो होता ही होता है। तो आप घर बैठे अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो भी आप मोबाइल फ़ोन से बहुत ही इजी तरीके से ये वीडियो देखने के बाद आप श्रम योगी मानधन योजना में आप अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और सरकार से 3000 रुपये 60 साल की उम्र हो जाने पर आप पा सकते हैं। तो कैसे आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है आपको इस वीडियो में वो सब देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को आप कम्प्लीटली ज़रूर देखिएगा तभी आप सीख पाएंगे किस तरीके से श्रम योगी मानधन योजना में आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे और 60 साल की उम्र हो जाने पे आपको जो है 3000 रुपये सरकार की तरफ से आपको प्रति माह दिया जाएगा। तो इस वीडियो को आप कम्प्लीटली ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दिया हूँ जहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट जो है आपको क्लिक हो जाएंगी और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 40,58,911 लोग इनरोलमेंट कर चुके हैं इस स्कीम में। इस स्कीम की डिटेल लेने के लिए आपको सिंपली यहाँ डिटेल पर ओके करेंगे तो आपको पूरी स्कीम की पूरी डिटेल यहाँ पर आपको शो कर देगा। जैसे कि कोई भी ऑर्गेनाइज ऑप्शन यहाँ पे इसको लिए अप्लाई कर सकता है जिसके लिए आप देख रहे हैं कि इसकी एज बिटवीन 18 से 40 ईयर है, 18 से 40 साल तक इसका जो है अप्लाई कर सकता है और इसकी जो इनकम है यहाँ पे 15000 रुपये से कम होनी चाहिए। वही जो ऑर्गेनाइज सेक्टर से इंगेज है वो इस स्कीम से बेनिफिट नहीं ले सकते हैं और वर्कर के पास एक आधार कार्ड और एक सेविंग बैंक अकाउंट होना ही चाहिए। इसमें गारंटेड 3000 की मंथली आपको पेमेंट मिलेंगी 60 साल की एज पूरी होने के बाद। अगर वाइफ चाहे तो ये पैसा आप ले सकती है या उसको सिंपली इसको कंटिन्यू भी कर सकती है। इसके बाद ये स्कीम चालू करने के बाद इससे कोई अगर स्कीम से बाहर निकलना चाहता है या उसको क्लोज करना चाहता है तो उसका सारा पैसा इंटरेस्ट के साथ उसको वापस कर दिया जाएगा। मंथली कंट्रीब्यूशन की बात करें तो यहाँ पर पूरा चार्ट दिया गया है जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि कौन एज वाले के लिए हर महीने कितना पैसा यहाँ पर दिया जाएगा। जैसे आपका उम्र है 20 साल तो आपको 60 साल तक कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा जिसमें आपको हर महीने 61 रुपीज़ देने होंगे। इसके बाद 61 रुपये सरकार अपने तरफ से डालेंगे इसमें हर महीने और 122 रुपये आपको पर महीने आपके इस अकाउंट में जमा होती रहेंगी। इसी तरीके से आप अपने हिसाब से यहाँ पर देख लीजिएगा उस हिसाब से यहाँ पर इंटरेस्ट आपको मिलती रहेगी। और यहाँ पर अप्लाई की बात करें तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर आप दो तरीके से यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, या तो आप CSC सेंटर पर जाकर आप वहाँ से अप्लाई करा सकते हैं या आप यहाँ ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक हेयर टू अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप सेल्फ इनरोलमेंट वाला ऑप्शन चूज करेंगे और यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और यहाँ पे प्रोसीड करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आप अपना पूरा नाम डालेंगे, पूरा नाम वही डालेंगे जो आपका आधार कार्ड पर है। इसके बाद यहाँ पर अपना ईमेल आई डी डालेंगे, इसके बाद जो कैप्चा है कैप्चा यहाँ पर डाल के यहाँ पर कर देंगे जेंडर OTP पे, आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है जो आधार कार्ड से लिंक है उस पर एक OTP जाएगा, वो OTP का आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा।
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका OTP आ गया होगा जो मोबाइल नंबर पे, यहाँ देख रहे हैं कि नंबर पे आपका OTP आ गया, इसलिए मेरा मोबाइल पे आ गया, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। इसके बाद आपको करना है सिंपली प्रोसीड। यहाँ पर देखिए आपको ये डैशबोर्ड ओपन होकर आ गया, यहाँ पर आप पासवर्ड को सेव भी कर सकते हैं और नेवर भी कर सकते हैं, यहाँ से हम नेवर कर देते हैं। इसके बाद आप सिंपली आप यहाँ एनरोलमेंट पर जाइए, यहाँ पर देखिएगा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, आपको इस पर ओके कर देना है। ओके करने के बाद देखिए ये कुछ तरह से इस तरह से ये आपका ये छोटा सा फॉर्म ओपन होकर आ गया है। ये फॉर्म को आपको बहुत ही सावधानी और ठीक ठाक से आपको फॉर्म को फिलअप करना है। यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर, आधार कार्ड का नंबर डालना है, यहाँ अपना पूरा नाम डालना है, यहाँ मोबाइल नंबर डालना और यहाँ पे आपको ईमेल आईडी डालना है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालना है, इसके बाद यहाँ से आपको जेंडर, जो भी जेंडर यहाँ से आपको चूज कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना, जो भी स्टेट से तो आप यहाँ से स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट से है। इसके बाद यहाँ पर सिंपली आपको अपना पिन कोड डाल देना है। यहाँ पर आपको देख रहे हैं कि यहाँ पे आप पूछा जा रहा है कि आप नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से बिलोंग करते हैं, करते हैं तो यस, नहीं तो यहाँ पर नो डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कैटेगरी पूछा जा रहा है कि आपकी SC ST OBC है, को भी कौन से है, तो यहाँ पे आपको सिंपली वो डाल देना है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप काम क्या करते हैं, जो भी काम करते हैं तो यहाँ पर अपना वो अपना काम आपको यहाँ पर डाल देना है, जो अभी आप काम करते हैं। इसके बाद यहाँ पर सिंपली नीचे देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या आप NPS, ESIC और EPFO के मेंबर है, अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो हम नो कर देंगे। यहाँ पर देख रहे हैं कि क्या आप इनकम टैक्स प्लेयर है, अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो हम यहाँ पर नो कर देंगे। इसके बाद यहाँ आप आई एग्री पे ओके करेंगे, इसके बाद यहाँ कर देना आप सिंपली सबमिट। सबमिट करते ही आपके पास ये पूरा फॉर्म आ गया है, आप देख सकते हैं इस फॉर्म को, एक बार इस फॉर्म को आप रीड कर लीजिए, ये फॉर्म अच्छी तरीके से भरा हुआ है या नहीं। इसके बाद आपको कर देना है जनरेट OTP पर क्लिक, आप जनरेट OTP पर क्लिक करते ही आपको एक OTP जनरेट होगा, वो आपको यहाँ पर डालना है। यहाँ पे वेरीफाई होते ही आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके से आपका आ गया अकाउंट डिटेल, तो यहाँ से आप अकाउंट डिटेल को बहुत ही आसानी से आप इसको फिलअप करेंगे और इसको स्टेप बाय स्टेप समझ के यहाँ से आपको फिलअप करना है। इसके बाद यहाँ पे अपना IFSC कोड डालेंगे, कोड वेरीफाई करते ही आपका बैंक का नाम और ब्रांच का नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं अकाउंट होल्डर का नाम डालना है, यहाँ अकाउंट होल्डर का जो अकाउंट है वो आपको यहाँ पर डालना है। यहाँ पर देख रहे हैं अकाउंट टाइप, जिस कौन सा टाइप का अकाउंट है वो आपको यहाँ पर चूज कर लेना है। इसके बाद देख रहे हैं कि यहाँ अकाउंट होल्डर का जो नंबर है वो डालना है, यहाँ पर कन्फर्म कर देना है। इसके बाद नॉमिनी अगर बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर इसको नॉमिनी बना सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि मेरिट स्टेटस से यहाँ पर मेरिट है या अनमेरिड है वो आप कर सकते हैं। अगर आप मैरिड है तो यहाँ पर आप नॉमिनी का नाम डाल सकते हैं, जैसे यहाँ नॉमिनी का नेम दीजिएगा, यहाँ स्पोज पत्नी पति का नाम डाल सकते हैं, यहाँ रीजन चूज कर सकते हैं, क्या है, ब्रदर है, भाई है, वाइफ है, सन है, जो भी जो है वो चूज कर सकते हैं। यहाँ पर उसका डेट ऑफ बर्थ यहाँ डालिएगा, यहाँ गार्जियन है, नॉमिनी का जो नेम है वो आपको डाल देना है। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करके आइएगा, यहाँ पे नीचे आने के बाद यहाँ पर है कि कंट्रीब्यूशन की फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, क्या आप हर महीने डालेंगे, 3 महीने पर डालेंगे, हाफ ईयर में डालेंगे या एक ही बार साल भर के लिए आप यहाँ पर डालेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1 मंथ के लिए तो यहाँ पर उसी मंथ के उसी हिसाब से यहाँ पेमेंट आ चुका है। अगर यहाँ पर आप सीधे 3 मंथ के लिए करेंगे तो यहाँ पर देख ले उसी हिसाब से आएगा, यहाँ पर हाफ ईयर का करेंगे तो आपको यहाँ पर उसी हिसाब से आएगा, और 1 ईयर के लिए करेंगे तो आपको यहाँ पर प्राइस देख रहे हैं कि उसी हिसाब से आएगा। तो यहाँ पर अपने हिसाब से यहाँ पर चूज कर लीजिए। इसके बाद आप देख रहे हैं कि 12 महीने के लिए आप 768 रुपये यहाँ पर हो गए हैं, और आपकी एज जिस हिसाब से बनता है उसी हिसाब से यहाँ पर आपका पेमेंट हो जाता है। इसके बाद यहाँ टर्म को के लिए एग्री करेंगे, इसके बाद यहाँ कर देंगे सबमिट एंड प्रोसीड पे ओके। इसके बाद सामने आपका ये पेज आ जाएगा, ये पेज आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद आपका ये फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा, यहाँ देख रहे हैं कि आपका पूरा फॉर्म जो एप्लीकेशन है, जो आपका एप्लीकेशन सबमिट हो गया, आपको ये पूरा फॉर्म होकर आ गया। यहाँ प्रिंट मैंडेटरी फॉर्म पर ओके करके ये फॉर्म प्रिंट को प्रिंट कर लेना है फॉर्म को। तो इस तरीके से आपको देख रहे हैं कि ये आपका पूरा फॉर्म आ जाएगा, ये फॉर्म को आपको प्रिंट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको एक सिग्नेचर करना, जो आपको यहाँ पे एक फोटो के यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे आप अपना। सिग्नेचर करने के बाद आप इसका एक फ़ोटो क्लिक करेंगे क्लियर, या इसको स्कैन करेंगे और इसको आपको अपलोड करना होगा। इसका फॉर्मेट JPEG या JPEG होना चाहिए, और साइज इसका 150 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और 750 KB से ऊपर इसका साइज नहीं होना चाहिए।
यहाँ से आप अपने फाइल को चूज करेंगे, जहाँ भी अपने फाइल को सेव करके रखे हुए हैं वहाँ से जाके सिंपली इसको इसमें आपको अपलोड कर देना है। तो अपलोड करने के बाद कुछ इस तरह से आपका फॉर्म ये आ जाएगा। यहाँ पर अपलोड स्क्रीन पर आपको क्लिक करेंगे, यहाँ से आप देख रहे हैं कि यह आपका जो ऑप्शन है जो स्टार्ट हो गया है अपलोडिंग का। इसके बाद यहाँ पर आपको फर्स्ट मंथली कंट्रीब्यूशन अमाउंट पे करना पड़ेगा, जो यहाँ पर है 64 रुपये का है, तो वो आपको यहाँ से पे करना पड़ेगा। इसके बाद कंटिन्यू आप मेरे बैंक अकाउंट से, आपके बैंक अकाउंट से यहाँ पे कट होते रहेंगे, लेकिन पहला आपको खुद से यहाँ से पे करना पड़ेगा। तो इसके लिए यहाँ पर दो ऑप्शन दिए गए हैं, या तो यहाँ पर पे यूजिंग पे जाके आपको इस मैसेज से पे करना पड़ेगा। यहाँ ये देख रहे हैं कि या ई मित्रा से आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। जैसे कि हम यहाँ पे यू मनी चूज कर लेते हैं, यहाँ पे क्लिक है टू प्रोसीड पेमेंट पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही मेरा कुछ इस तरह से ये ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ डेबिट कार्ड है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग का ऑप्शन आ गया है। और यहाँ देख रहे हैं कि मेरा जो 64 रुपये है वो भी यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर से आप यहाँ कार्ड होल्डर जो अगर कार्ड से डाल लें तो कार्ड का नाम यहाँ डालेंगे, अगर आप डेबिट कार्ड से डालें तो उसका नेम यहाँ पर डालेंगे, अगर नेट बैंकिंग से डाल रहे हैं तो उसका मंथ और यहाँ पर डालेंगे और सिंपली इसको पेमेंट कर देंगे। जैसे हम कार्ड से पेमेंट करेंगे तो हम कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, ईयर और CCV डालेंगे। तो मेरे मोबाइल पे एक नोटिफिकेशन आएगा, जो एक कोड आएगा, कोड डाल के हम यहाँ पर सबमिट करेंगे तो मेरा जो है 64 रुपये का कट हो जाएगा। और इसके बाद हमारे अकाउंट से हर महीने ये 64 रुपये कट होते रहेंगे। इसके बाद मेरे बैंक अकाउंट से कटते रहेंगे, तो आप अपने बैंक अकाउंट में उतना बैलेंस मेंटेनेंस करके रखते रहिएगा, जिससे आपका ये अमाउंट जो है हर महीने आपके कट होते रहेंगे। और साथ ही पेमेंट करने के बाद आपको यहाँ पर आपको कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन भी मिल जाएगा, और यहीं से भी आप प्रधानमंत्री श्रम योजना का कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही आपका एक परमानेंट अकाउंट नंबर भी आपको यहाँ पे जनरेट कर दिया जाएगा, जो आपका पेंशन नंबर होगा। इसके बाद कभी भी इस वेबसाइट पर आएंगे, साइन इन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ देखेंगे सेल्फ इनरोलमेंट पर, आप इसको ओके करेंगे, यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर डाल के प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद ये कैप्चा का कैप्चा यहाँ पर डाल के यहाँ गेट जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे। अगर आपके समझ में नहीं आता है कैप्चा तो यहाँ से आप इसको रिफ्रेश करते रहेंगे, ये चेंज होता रहेगा। इसके बाद सिंपली आप ये कैप्चा को डाल के जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपका जो OTP आ गया, OTP आपको यहाँ पर डालना है। इसके बाद यहाँ प्रोसीड पर ओके कर देना, जो मेरे केस में आ गया, मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। इसके बाद यहाँ प्रोसीड पर ओके करेंगे। प्रोसीड पर ओके करने के बाद यहाँ पर आपको डैशबोर्ड ये ओपन होकर आ जाएगी। इसके बाद यहीं से आप कोई भी डिटेल अपडेट भी कर सकते हैं, जिसके लिए यहाँ पे आप अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं, और यहाँ पे आप पेंशन अकाउंट नंबर यहाँ पे डालेंगे, यहाँ सब्सक्राइबर का नाम डालेंगे, जो जिसका यहाँ जेंडर चूज कर लेंगे जो भी है। इसके बाद देखिए ऑथेंटिकेशन आपको टाइप कर लेना, OTP या FRM इसको जो भी करना है वहाँ से टिक कर लेना है। इसका जो कैप्चा है, अगर कैप्चा समझ में नहीं आता तो कैप्चा रिफ्रेश कर दीजिए। इसका कैप्चा यहाँ पर डालना है, टर्म को एक्सेप्ट करना है, इसको कर देना है सिंपली प्रोसीड। तो यहीं से आपको अपना मोबाइल नंबर, ईमेल ID, अपने ओकेपेशन, यहीं अपने बैंक की डिटेल, अपनी और अपनी वाइफ का नाम यहीं से आप देख सकते हैं। और देखने के साथ साथ आप यहां से इसको चेंज भी कर सकते हैं। और यहां पर दे रहे हैं कि रिप्रिंट कार्ड, यहां से क्लिक करके यहां से अपने कार्ड को यहां से प्रिंट भी कर सकते हैं। इसके बाद यहां पर अपना पेंशन अकाउंट नंबर डालेंगे और प्रोसीड करेंगे, तो आपको यहां पर आपको कार्ड मिल जाएंगे। यहां पर जो कार्ड मिलेंगे यहीं से आपको अपना कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। रिपोर्ट पर क्लिक करके आप यहाँ से देख सकते हैं कि आप अभी तक कितने पैसे इसमें पेमेंट किए हुए हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे पूरा कंट्रोल आप इस डैशबोर्ड से कर सकते हैं। तो यहाँ पे डैशबोर्ड जाके यहाँ पे से आप प्रधानमंत्री श्रम योगी योजना को आप अपने अकाउंट को बहुत सिंपली तरीके से आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे जो लेबर क्लास के आदमी हैं जिसकी इनकम 15,000 से ज़्यादा नहीं है, वो इस योजना का लाभ ले सकते हैं और इस योजना में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये एक बढ़िया स्कीम है जिससे ये वो अपने फ्यूचर के सिक्योर कर सकते हैं, और हर महीने इस स्कीम से 3,000 की ग्रांटेड पेंशन ले सकते हैं। ज़्यादातर बहुत से लोग हैं जिसको इस स्कीम के बारे में पता नहीं होता है। अगर आपके आसपास में बहुत ऐसा लोग है जिसको पता नहीं है, तो आप सिंपली इसको इस पोर्टल के हेल्प से उसको लॉगिन कर देंगे और उससे कुछ हेल्प कर सकते हैं। और जितना वो कंट्रीब्यूशन करेंगे उतना ही सरकार करेगी, और इस हिसाब से उसका फ्यूचर बहुत ही अच्छा और भविष्य बहुत ही सुनहरा बन सकता है। इस तरीके से 60 साल की उम्र पूरा हो जाने पर आपको 3,000 पर महीने आपको सरकार आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करते रहेगी, और आप इसका स्कीम का लाभ ले सकते हैं।
तो इसी तरीके से बहुत सिंपल और आसानी तरीके से आप इस स्कीम में ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइस, आपने इस वीडियो में ये सीख ही लिया होगा कि किस तरीके से श्रम योगी मानधन योजना में किस तरीके से आप रजिस्ट्रेशन करेंगे और उसमें 64 रुपये डाल करके आपको 60 साल की उम्र हो जाने पे आपको जो है सरकार के तरफ से आपको 3000 रुपये प्रति माह मिलेगा। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं।